हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बुकोज रिले के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुकोज रिले होता क्या है, बुकोज रिले की लोकेशन कहाँ रहती है ट्रांसफार्मर में, और बुकोज रिले कौन कौन से फॉल्ट के अगेंस्ट ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले की लोकेशन कहाँ रहती है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है और ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर टैंक है, इन दोनों के बीच में बुकोज रिले को लगाया जाता है। तो बेसिकली कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में आपको बुकोज रिले लगा हुआ किसी भी ट्रांसफार्मर में मिल जाएगा। अब ये लोकेशन क्यों सिलेक्ट की गई कि कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में ही हम लोग बुकोज रिले लगाएंगे, इसके पीछे भी एक रीज़न है। ये रीज़न आप पता करिए, और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बुकोज रिले की जो लोकेशन है ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में ही क्यों लगाई जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो बुकोज रिले होता है ये कौन कौन से फॉल्ट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देखिए, एक चीज़ आप क्लियर रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में अगर एक्सटर्नली कोई फॉल्ट प्रोड्यूस होता है तो उससे बुकोज रिले आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। मान लीजिए पैनल साइड से अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिसके वजह से अगर ट्रांसफार्मर ट्रिप होता है, तो इस केस में बुकोज रिले एक्ट नहीं करेगा। बुकोज रिले आपको ट्रांसफार्मर के सभी इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए आपको दूसरे रिले पे रिलाई करना पड़ेगा। आप एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए बुकोज रिले से ट्रिपिंग नहीं ले सकते। ट्रांसफार्मर के जितने भी इंटरनल फॉल्ट्स होंगे, उस इंटरनल फॉल्ट के अगेंस्ट ही बुकोज रिले आपको प्रोटेक्शन देगा। तो ये डिफरेंस आप एकदम क्लियर रखिएगा। अब दोस्तों, बात आती है कि कौन कौन से इंटरनल फॉल्ट है जिसके अगेंस्ट हमें बुकोज रिले से प्रोटेक्शन मिलता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में हम जो वाइंडिंग वाउंड करते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग वाउंड करते हैं, ये सभी टर्न्स एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं। जो नंबर ऑफ टर्न्स हम वाउंड करते हैं वो एक टर्न दूसरे टर्न से कम्प्लीटली इंसुलेटेड रहता है। पर मान लीजिए किसी रीज़न से अगर ये इंसुलेशन ब्रेक होता है और दो टर्न्स अगर आपस में शॉर्ट होते हैं, तो इस तरीके के जो फॉल्ट होते हैं, जो इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो रहा है दो वाइंडिंग के बीच में, इससे बुकोज रिले आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बुकोज रिले इस चीज़ को सेंस करेगा और आपके सर्किट को ट्रिप करेगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट में अगर मान लीजिए फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट होता है या फेस टू ग्राउंड फॉल्ट अगर ट्रांसफार्मर में होता है, ये सभी ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट है। एक्सटर्नल सिचुएशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे टर्न्स टू टर्न शॉर्ट सर्किट हो, दो फेज का शॉर्ट सर्किट हो, या फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो, इन सभी टाइप के जो सीवियर फॉल्ट होते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में, उन सभी से बुकोज रिले आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों, एक बात और आती है कि जो बुकोज रिले है ये ट्रांसफार्मर ऑयल से कम्प्लीटली फिल्ड अप रहता है। अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर टैंक में कहीं से लीकेज है, तो लीकेज के वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल का जो लेवल है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर इस ऐसी कंडीशन आती है कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल लेवल है ये बुकोज रिले से भी कम हो गया, तो बुकोज रिले इसे भी सेंस करेगा और ट्रांसफार्मर में ट्रिपिंग जनरेट करेगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि जो बुकोज रिले होता है ये लीकेज से भी आपको प्रोटेक्शन देता है। किसी भी रीज़न से अगर ट्रांसफार्मर का जो ऑयल लेवल है बहुत कम हो जाता है, अगर बुकोज रिले का ट्रांसफार्मर ऑयल कम्प्लीटली डाउन हो गया, तो उसे भी बुकोज रिले सेंस करेगा और आपके सर्किट को ट्रिप करेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ट्रांसफार्मर से धीरे धीरे ऑयल लीकेज होता है। अगर आप बहुत टाइम से ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के लिए नहीं गए हैं तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि उसमें लीकेज हो रहा है। तो इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो इस चीज़ को मॉनिटर करते रहें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि ट्रांसफार्मर में लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर बुकोज रिले से ट्रांसफार्मर का जो ऑयल लेवल है ये डाउन हो जाता है, तो उसे भी बुकोज रिले सेंस करेगा और आपके सर्किट को ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, बुकोज रिले में बेसिकली एक मर्क्यूरी स्विच लगा रहता है। इसमें कुछ और भी स्विचेस लगे रहते हैं, वो क्रिटिकलिटी में अभी नहीं जाऊंगा। बहुत बेसिक लेवल में मैं आपको बता रहा हूं कि बुकोज रिले कौन कौन से फॉल्ट से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका डीप नॉलेज अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो एक और वीडियो इसको एडवांस लेवल में हम बना लेंगे। तो दोस्तों, बुकोज रिले से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।